तो बहुत दिन से ऑर्डर किए थे, लगभग 20 दिन हो गया। स्टफ का फोरनर 2.0 की है सी शार्प या डी फ्लैट, डी फ्लैट को ही सी शार्प बोला जाता है। तो चलिए खोलते देखते हैं। पैकिंग बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। तो ये जो सी शार्प या डी फ्लैट स्केल का माउथ बहुत कम मिलता है। सी स्केल का माउथ तो मिल ही जाता है, वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा ऑर्डर देने से, लेकिन सी स्केल को छोड़ के बाद बाकी जो स्केल का माउथ है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस तरह एक बैग दिया गया है, इसके अंदर मोहतरगन है, इसमें और एक पैकिंग है। तो पैकिंग हम खोल देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। फिर ये देखिए डी फ्लैट है, कवर बहुत ही हैंडी है, किसी भी जगह पे आप कैरी कर सकते हैं इसको। तो पहले जो फाइबर का बॉडी का बॉक्स आता था वो नहीं है, अभी ये चेंज वाला है। और बॉक्स में भी जो है डी फ्लैट लिखा हुआ है, देखिए इसमें एक माउथ को साफ करने के लिए कपड़ा दिया गया, और ये हो गया आपका माउथ। तो माउथगन तो बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का माउथगन हमेशा ही अच्छा होता है। तो इसमें देखिए कॉम में भी जो है डी फ्लैट लिखा हुआ है, और ये प्लास्टिक का कॉम है। स्लाइडर बहुत ही स्मूथ है, पहले जो फोर रनर था वो थोड़ा स्लाइडर टाइट था या उससे कुछ आवाज़ आता था। पहले का जो फोर रनर था ई था, अभी ई हो गया, तो इससे थोड़ा ही हैवी है। वेट लगभग बराबर है, तो मोटाई थोड़ा ज़्यादा है इसमें। और इसका जो स्लाइडर था देखिए आवाज़ करता था, इसलिए जो है देखिए आवाज़ एकदम नहीं है, हल्का सा है, वो तो आएगा ही। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड कैसा है, टोनल क्वालिटी कैसा है। तो पहले जब बजाइएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब दे सकता है, क्योंकि फैक्ट्री से तैयार होने के बाद ये वैसे ही रह जाता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब दे सकते हैं। एक दो बार बजाने के बाद जो है अपने आप पूरा का पूरा जो नोट्स है सब बजेगा। देख चलिए देखते हैं। तो पहले लोअर एक्टिव से शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा है, तो पहले पहले होगा, बजाते बजाते अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मिडिल एक्टिव को देखते हैं, तो मिडिल एक्टिव बहुत ही स्मूथ है। तो हाई एक्टिव को देखते हैं, चलिए तो धीरे धीरे जो है लोअर एक्टिव और अपर एक्टिव ठीक हो जाएगा, थोड़ा पहले पहले ऐसा होता है। तो ऐसे तो टोनल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, पहले जो फोर रनर था उससे बहुत ही अच्छा है। एयर टाइट भी बहुत ज़्यादा है, सुजुकी जो बजा रहे थे हम उसके मुकाबले ये कोई कम नहीं है। तो उसका दाम ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। सुजुकी का जो SCX48 है उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दाम के हिसाब से सुजुकी का प्राइस का 1/3 प्राइस है इसका, उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसके साथ इसका 18-20 का फर्क है, तो टोनल क्वालिटी और साउंड का, लेकिन दाम में देखिएगा 1/3
दाम है। तो इस हिसाब से जो है सुजुकी ना लेके आप लोग इस टाइप का ही फोरनर ले सकते हो। सेम गाने को सुजुकी और इस फोरनर पे बजा के दिखाते हैं। अब इसमें देखते हैं, सुजुकी और इसमें और एक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो है इसमें वाल्व नहीं है, सुजुकी में वाल्व है। तो वाल्व रहने से एयर टाइट ज़्यादा होता है, इसमें एयर टाइट, इसमें वाल्व नहीं है फिर भी उससे एयर टाइट इसमें कम नहीं है। वाल्व रहने से और एक दिक्कत होता है विंटर सीजन में, वो वाल्व सब जो है अटक जाता है, अटक जाने से क्या नोट साइज से नहीं निकलता, लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं होगा। इस हिसाब से जो है फोर रनर बहुत ही आगे है, और इसका एक एक नोट का साउंड इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। जब गाने को बजाइएगा तो जब हम गाना बजा रहे थे तो हमको ऐसा लगा एक नोट बजाने के बाद नेक्स्ट नोट में जब जाने वाले तो लगता है आपने आप जो है खींच लेता उस नोट को बजाने के लिए, आपको तकलीफ देकर उसमें नहीं जाना होगा, वो आपको माधवगढ़ खुद खींच लेगा, मतलब इस तरह एक फील आया, इतना बढ़िया है इस माधवगढ़। तो आप अगर आप लोग को लेना है तो इस माधवगढ़ को बिना सोच के इसको ले सकते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सुजुकी लो या फोरनर लो या दूसरा कोई कंपनी का लो, तो जो हमको अच्छा लगा और चीप में होगा तो वही हम बता रहे थे।